नमस्कार दोस्तों, मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे जो है बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है सरकार की तरफ से। आप लोगों का कुछ ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है मैट्रिक इंटर और स्नातक प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों, ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक इंटर और स्नातक प्रोत्साहन योजना में आप लोगों को मेधा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो अभी दोस्तों अपडेट यहाँ पे ये जारी किया गया है कि बहुत सारा जो आप लोगों का स्कॉलरशिप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि 2018 से लेकर अभी तक 2023 तक जितने भी लोग मैट्रिक इंटर या फिर स्नातक पास किए हैं सभी का स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो गया है। मान लीजिए आप 2019 में यहाँ पे जो है मैट्रिक पास किए थे, इंटर पास किए थे या फिर जो है ग्रेजुएशन पास किए थे और आप लोग का स्कॉलरशिप का लाभ नहीं था, तो आप लोग यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सभी का यहां पे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था। तो अभी जो है कुछ आवेदनों का यहां पे जो लास्ट डेट है उसको यहां पे निर्धारित कर दिया गया है और कुछ आवेदन यहां पे जो है बंद हो चुका है। अब किनको किनको अभी जो यहां पे मौका दिया जा रहा है कि आप लोग यहां पे आवेदन कर लीजिए और क्या क्या आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है और किसका किसका आवेदन बंद हो चुका है वो भी मैं आप लोग यहां पे बताने वाला हूं। तो अगर आप मैट्रिक इंटर या फिर स्नातक का प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कब तक आप लोग को अपना आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है जिससे कि आप लोग वहाँ पे लाभ मिल सके वो मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ। सभी का लास्ट डेट आप लोग वहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को इंटर का दिखाता हूँ क्योंकि अभी फिलहाल आज जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कि कब तक आप लोग वहाँ पे इंटर के लिए आवेदन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक नोटिस पड़ा हुआ है, ये नोटिस आज आप लोग वहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे आम सूचना में आप लोग का जानकारी दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु अंतिम मौका 20/9/2023 तक दिए जाने के संबंध में। इन दोस्तों यहां पे क्या है कि आप जो किसी भी बोर्ड से यहां पे पास किए हैं, बिहार का जितना भी आप लोगों का बोर्ड हो गया तो आप किसी भी बोर्ड से यहां पे इंटर पास किए हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे जो है 20/9/2023 तक आप लोगों का लास्ट डेट रखा गया है, यानी कि 20 सितंबर तक आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा। यहां पे आप लोगों का जानकारी दिया गया कि वर्ष 2023 में बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की विवाहित छात्राओं की सूची एनआईसी द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल पर जो है माह अप्रैल 2023 में अपलोड कर दी गई थी। इन दोस्तों यहां पे क्या है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आप जनरल वाले हैं, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो लिस्ट है वो आप लोगों का पोर्टल पे आ चुका है, आप जाकर लिस्ट चेक कीजिएगा, अगर आप लोगों का उसमें नाम होता है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जानकारी दिया गया कि आप लोगों का इंटर के लिए जो डेट रखा गया है वो 20 सितंबर रखा गया जो 2023 में आप पास किए हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि इंटर मान लीजिए आप 2019 में पास किए हैं, 20 में पास किए हैं, 21 में पास किए हैं तो उनके लिए जो है क्या आप लोगों का डेट रखा गया है? तो उसके लिए जो है आप लोगों का ई कल्याण जो पोर्टल है इसी पे अपडेट जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए आप लोगों का 10th के बारे में यहां पे जानकारी दिया गया है, यहां पे जो है आप लोगों का +2 यानी कि इंटर के बारे में यहां पे जानकारी दिया गया है और यहां पे मेधावृत्ति जो आप लोगों का योजना चलता है जो कि आप लोगों का +2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पे चलता है तो उसके लिए आप लोगों यहां पे जानकारी दिया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए आप लोगों का जो 2023 के लिए आवेदन अभी चल रहा है और यहां पे आप लोगों का 2022 में अगर आप पास किए हैं तो 15/9/2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने मैट्रिक जो है 2022 में पास किया है तो भी आप जो यहां पे आवेदन कर पाइएगा और 2023 में पास किया है तो भी अभी आप यहां पे आवेदन कर पाइएगा। और जो आप लोगों का 2023 वाला का लास्ट डेट है ये अभी आप लोगों का निर्धारित नहीं किया गया है और 2022 वाला का आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 15/9/2023 तक यहां पे रहने वाला है। फिर यहां पे इंटर की बात करें तो इंटर का जो आप लोगों का लास्ट डेट है वो यहां पे आ चुका है, आप लोग यहां पे जो 20 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं 2023 वाले और 2022 वाला जो यहां पे लोग हैं वो जो है 15 तारीख तक यहां पे आवेदन कर पाएंगे और बाकी 21, 20, 19 वाला जो है इन सभी का आवेदन बंद कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर दोनों में आप लोगों का 21 से लेकर 19 तक जो आप लोगों का आवेदन चल रहा था वो आप लोगों का आवेदन यहां पे क्लोज हो चुका है और सेम आप लोगों का यहां पे मेधावृत्ति में भी है कि आप लोगों का यहां पे जो है 2023 वाला चल रहा है इसका लास्ट डेट आप लोगों का यहां पे वही 20 तारीख रहने वाला है और जो आप लोगों का यहां पे 2022 वाला है उसका आप लोगों का 15 तारीख तक यहां पे जो लास्ट डेट रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहां पे जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका कब तक यहां पे चलने वाला है। तो ग्रेजुएशन 2019 से लेकर 20 तक में जितने भी पास किए हैं उनका जो लास्ट डेट है वो यहां पे खत्म हो चुका है, यानी कि उनका जो आवेदन है वो आप लोग यहां पे बंद हो चुका है। 15 अगस्त तक उनका यहां पे जो लास्ट डेट रखा गया था और उनका यहां पे जो आवेदन है उसको यहां पे बंद कर दिया गया है। अगर आप जो है 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में यहां पे जो पास हुए हैं तो ऐसे में आप लोग यहां पे आवेदन लिया जा रहा था और वो आवेदन अभी यहां पे बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का सत्र है जैसे कि यहां पे 2023 वाले का तो उसका यहां पे नोटिस जारी हुआ था, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, अभी आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा तो उसके लिए यहां पे जो है आप लोगों को लिंक मिलता है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट ओपन
ओपन होगा और इसका जो आवेदन है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और इसका जो 30 सितंबर तक आप लोग यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। और अभी आप यहाँ पे 2023 तक जो यहाँ पे पास छात्र हैं यानी कि 2021 के बाद जो भी यहाँ पे पास किए हैं वो अभी यहाँ पे जो है स्नातक के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनका आवेदन यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है, इस तरीके से आप लोगों का अंतिम डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है, सभी का मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।